क्या है हैप्पीनेस? क्या यह किसी मित्र के साथ साझा की गई मुस्कान है, किसी अजनबी के लिए बढ़ाया गया मदद का हाथ, या फिर जीवन की साधारण खुशियों के लिए कृतज्ञता का एक क्षण? खुशी को जिया भी जा सकता है, क्योंकि खुशी केवल एक क्षण भर की भावना नहीं बल्कि तनाव रहित जीवन जीने का एक तरीका है। आजकल जीवन में बच्चों में तनाव और चिंता होना एक आम बात बन गई है, लेकिन इस तनाव का असर उनके कल पर भारी पड़ सकता है। इस लाइफ में हम जीते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़िए, अच्छा करिए, जॉब में सब अच्छा करें, सक्सेसफुल बनिए, देन वॉट? द मेन एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, टू बी जॉयफुल, टू लिव इन अबैंडन। दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम एक आशा की किरण के रूप में उभर कर सामने आया है। 2018 में दिल्ली सरकार के अधिकारियों और शिक्षा विभाग ने मिलकर एक करिकुलम बनाने का निर्णय लिया। इस आधुनिक करिकुलम का उद्देश्य राज्य भर में लाखों बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को विकसित करना है। इस करिकुलम का उद्घाटन स्वयं हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने किया और भारतीय दौरे पर आई फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका मिसेज मेलानिया ट्रंप ने भी इस प्रोग्राम के महत्व को समझते हुए इसकी सराहना की। हैप्पीनेस करिकुलम के अंतर्गत बच्चे तीन तरह के सेशन माइंडफुलनेस, स्टोरी और एक्टिविटी में भाग लेते हैं। बच्चों के दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस से कराई जाती है। अब आप अपना ध्यान आसपास से आ रही आवाजों पर लेकर जाएं, जिससे वे अपने विचारों, भावनाओं और आसपास के वातावरण पर ध्यान देना सीखते हैं। साथ ही यह उनके मन को स्थिर करने में भी मदद करता है। कहानियों के द्वारा हम बच्चों को व्यवहारिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करते हैं। प्रत्येक कहानी में बच्चे अपने निजी जीवन में होने वाले सभी पहलुओं को गहराई से समझते हैं, सीखते हैं और समस्याओं का हल निकालते हैं। वो स्टोरीज हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशनल फील कराती हैं और हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसी तरह आज की क्लास में भी हम बच्चों के साथ एक ऐसी ही कहानी साझा करेंगे। आज की हमारी हैप्पीनेस की कहानी है अलेक्जेंडर और डायोगनीज। इस कहानी में यही बताने की कोशिश की जा रही है, अगर खुश होने के लिए कुछ किया जाए तो मन चाहा ना होने पर हमें दुख होगा, और अगर खुश होकर कुछ किया जाए तो मन चाहा हो या ना हो, इससे हमारी खुशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह की स्टोरीज हम बच्चों के साथ साझा करते हुए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से उनकी विचारधारा को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। मैम, मुझे लगता है कि अगर हम जैसे हम अपने मन चाहा अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे सामने वाले को अपने भले के लिए, तो मैम उसे कितना, उसे बहुत ज़्यादा हानि पहुँचेगी। तो मैम हमें अपनी खुशी के लिए मैम दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अंततः एक्टिविटी सेशन में खेलकूद, चित्रकारी और अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। इससे बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं। हमें एक्टिंग करनी होती है एक्सप्रेशन में, जैसे हमारी मैम स्माइलीज बनाती हैं, तो उसमें हर तरह की स्माइलीज होती है, तो हमें एक्टिंग करनी होती है, तो उसमें बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों को समूहों में बांटा जाता है और एक सिचुएशन दी जाती है, फिर बच्चे अपने साथियों के साथ चर्चा करके स्थिति का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसी तरह हैप्पीनेस करिकुलम छात्रों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही निरंतर सीखने की क्षमता को विकसित करता है और उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए तैयार करता है। हैप्पीनेस करिकुलम को ब्रुकिंग्स, लेगो फाउंडेशन, BCG और अन्य कई प्रतिष्ठित संगठनों के द्वारा वैश्विक प्रशंसा मिली है। प्रभावपूर्ण हैप्पीनेस क्लास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग्स के दौरान शिक्षक करिकुलम की आवश्यकता को समझते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस में भाग लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं।
हैप्पीनेस करिकुलम बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और उन्हें अधिक खुशहाल संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। इससे दिल्ली के सभी स्कूलों में हजारों शिक्षकों की मदद से लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने में सहायता मिल रही है। मिसेस सविता दिल्ली में काम करने वाली एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं और वह हैप्पीनेस करिकुलम की आवश्यकता में विश्वास रखती हैं। यहाँ पर एक अर्ली मैरिज का कंसेप्ट बहुत था कि बच्चों को पढ़ते पढ़ते उनकी शादी कर देना, एंगेजमेंट कर देना, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। जब पहले तो बच्चे बताते नहीं थे, लेकिन हैप्पीनेस के बाद जब बच्चे ओपन अप हुए तो वो अपनी परेशानी हमें बताने लगे कि हमारे घर में शादी की बात चल रही है, मैम हमारी मम्मी पापा शादी कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये एक बहुत सीरियस इशू था क्योंकि ये बच्चों के बस की बात नहीं थी। हमें पेरेंट्स से मिलना पड़ा, पेरेंट्स के साथ बात की, उन्हें समझाया कि अब वो समय नहीं है कि आप बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर और इनकी शादी कर दें। तो उन्हें भी थोड़ा लगा जब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लगी। ऐसे कितनी फैमिलीज के साथ हमारा मिलना हुआ और अब हमारी वो बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं, पढ़ रही हैं और हमारे लिए शायद ये सबसे बड़ी जीत है। मिसेज सविता की कहानी सभी के लिए एक उदाहरण है जो हैप्पीनेस करिकुलम की प्रभावशीलता को प्रमाणित करती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को खुशी देना, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना और उनके अंदर एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, करुणा और निष्ठा जैसी भावनाओं को लाना है। Few years back, we used to wonder, can happiness ever be taught? लगता था कि नहीं, happiness कैसे सिखा सकते हैं? बट हैप्पीनेस करिकुलम इतना अच्छे से डिजाइंड है कि बच्चों को माइंडफुलनेस करा के, एक्टिविटीज करवा के, स्टोरीज सुना के पता ही नहीं चलता कि कब किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी बच्चे को, उनके पेरेंट्स को हैप्पीनेस फील करवा कर उनको एक हैप्पी पर्सन बना दिया। हैप्पीनेस करिकुलम हमारी अगली पीढ़ी को एक खुशहाल जीवन की ओर लेकर जा रहा है, जिससे हमारा विश्व शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर है, जहां खुशी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत हो।